आज पुराने शहर का रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्या आपने सोचा? इसलिए कर रहे हैं कि ये पुराने शहर की जमात आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सोए हुए मुसलमान को बेदार कर रही है, और वो मुसलमान जो गांधी भवन पे गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, हम उस मुसलमान को वखार की जिंदगी दे रहे हैं, अजमत की जिंदगी दे रहे हैं, और हरे झंडे के परचम तले उनको मुत्तहिद कर रहे हैं। तो इसलिए उनको बुरा दिख रहा। वो नहीं चाहते कि मजलिस यहां से निकले, वो नहीं चाहते कि मजलिस आगे बढ़े, और वो चाहते हैं कि मजलिस को रोकना है तो मजलिस के घर में गड़बड़ पैदा करो, मजलिस के घर को कमजोर करो, मजलिस के घर को जलाओ, या मजलिस के घर में बगावत व गद्दारी करो। यही उनका है। तारीख इस्लाम को उठाकर देखिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी के को खत्म करने के लिए कैसे साजिशें थी वो देखिए, यूरोप में क्या हुआ वो देखिए, गरनाता हुक्मरानों के इख्तदार का खात्मा कैसे हुआ स्पेन में वो जाकर पढ़ो। सिर्फ हमारे सफों से चंद गद्दारों को मिलाकर उठाकर ये लोग हमारे इख्तदार को कमजोर करे हैं, तारीख इस्लाम में गवाह है। आज वही साजिश, बड़े बड़े लीडर आज हैदराबाद पुराने शहर का रुख कर रहे हैं। बताइए कि हैदराबाद क्यों, हैदराबाद क्यों आ रहे हैं? हैदराबाद इसलिए आ रहे हैं कि मजलिस को कमजोर करो, हैदराबाद इसलिए आ रहे हैं कि मजलिस को हैदराबाद में मसरूफ कर दो, हैदराबाद इसलिए आ रहे हैं कि हैदराबाद का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान का हाथ थामने ना जाए। अगर चंद ऐसे इख्तदार के गुलाम अगर हैदराबाद का रुख करते हैं और समझते हैं कि मजलिस नहीं जाएगी, तो एक कांग्रेस सुन ले मेरी दुआ को, चंद्रायन गुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है, इस चंद्रायन गुट्टे में एक नहीं 1000 नौजवान अकबरुद्दीन ओवैसी है। तुमने हमको छेड़ा है ना, अब असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं, कांग्रेस तेरा पीछा अब अकबरुद्दीन ओवैसी करेगा। और सुन ले कांग्रेस, अरे सोनिया गांधी सुन ले, इटली से आने वाली इटालियन सुन ले, उस इटालियन के पप्पू बच्चे राहुल सुन ले, कांग्रेस तेरा जनाजा इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन ओवैसी बड़ी धूम से निकालेगा। तो हम कुछ है, अब मेरी जिंदगी का मकसद अगर कुछ है तो कांग्रेस को मिटा देना सफे अस्थी से, ये मेरी जिंदगी का मकसद। और सुनिए जानती है, जिद्दी बाप का जिद्दी बेटा हूं, तो सोच लिया करता हूं, अरे मेरी शराफत थी महाराष्ट्र गया तो किसी भी मुसलमान के खिलाफ हम लड़कर किसी मुसलमान को नहीं हराए। यहां राजा रैबर ये बैंड्रा के हमारे उम्मीदवार थे, यहां आवे में ये मुंबा देवी बंबई और मजलिस के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये लोग क्या हमारे मुंबई जाने से क्या मुंबा देवी के एमएलए की हार हुई, क्या गोवंडी के एमएलए की हार हुई, कौन से एमएलए की हार हुई? मजलिस जीती तो कौन से सीट जीती? ऐसे सीट जीती जहां से मुसलमान एमएलए नहीं था, औरंगाबाद से भी मुसलमान एमएलए नहीं था, वहां से हमने एक गैर मुस्लिम को हराकर मुसलमान को एमएलए बनाया। मुंबई बंबई की नाक, शिवसेना का गढ़, बहुत ताकत बीजेपी की, उस नाक उस गढ़ से हमने एक गैर को हटा हराकर वारिस पठान को वहां से कामयाब किया। क्या मुंबई में हमने
आरिफ नसीम खान को हराया, क्या नवाब मलिक को हराया? हमने किसी को नहीं हराया। लोगों ने मुझसे कहा, अकबर साहब जब तक ये लोग रहेंगे मजलिस को पनपने नहीं देंगे, पहले इनको हराओ उसके बाद मजलिस आगे बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान को हराने नहीं आया हूँ, मुसलमान को हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान एमएलए बने। लेकिन आज कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, मेरे और कांग्रेस की लड़ाई में, इस सद में अगर कोई मुसलमान आएगा तो उससे कहूंगा कि मुसलमान ना आए। अगर आएगा सोनिया और राहुल का गुलाम बनकर, तो खुदा की कसम अपने पैरों तले उसको रौंदता हुआ अपने मकसद को हासिल करूंगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो चाहे बोलते हैं। तुमने क्या किया कांग्रेस? हिंदुस्तान को 50,000 फीसदात देने वालों का नाम कांग्रेस है। कभी हाशमपुरे को जलाया, कभी मरियाबाद को जलाया, कभी लखनऊ को जलाया, कभी आगरा को जलाया, कभी अहमदाबाद को जलाया, कभी जयपुर को जलाया, कभी अजमेर को जलाया, कभी रोहतक को जलाया, कभी मध्य प्रदेश को जलाया, कभी बोर्डो के जरिए आसाम में मुसलमानों को रिलीफ कैंपों में ला दिया। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाली कौन? यही कांग्रेस। शिलान्यास कराने वाली कौन? यही कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली कौन? यही कांग्रेस। सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाली यही कांग्रेस। तारा के नाम पर हजारों की तादाद में बच्चों को जेल में डालने वाली यही कांग्रेस। और आज हमसे कहती है कि हम फिरका परस्त हैं। आए कांग्रेस सुनने सुनना है तो, अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम परस्त है, मुसलमानों की आवाज है, मुसलमान के लिए लड़ता है, मुसलमान के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा। और क्यों कह रहा है कि मुसलमान? इसलिए कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे, सबसे कमजोर है। 65 वर्ष किसका इख्तदार था? कांग्रेस का था ना, तो फिर मुसलमान सबसे कमजोर क्यों? हमारी बस्तियां बुनियादी सहूलतों से महरूम क्यों? हमारे नौजवान तालीम और रोजगार से महरूम क्यों? हमारी मां बेटी अपने बच्चों को गोदों में डालकर घरों में बर्तन मांजती हुई रहती है क्यों? अरे 65 वर्ष तुम्हारा इख्तदार था ना, तो देना था, करना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या कुछ करे उस रिपोर्ट पे? कुछ नहीं, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, कुछ करे? कुछ नहीं करे। अरे कांग्रेस हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अजीम गुनाह अगर कुछ है तो वो गुनाह ये है कि तुमने बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आजादी से घूमने और फिरने दिया। मैं नहीं, प्रणब मुखर्जी की किताब आई ना कल, क्या बोले? कांग्रेस की अजीम गलती कहा, शिलान्यास। अरे मेरे भाई, मेरी बात बुरी दिखेगी, अगर मैं एक पत्थर लेकर किसी के इबादत घर पे मार दूं तो पुलिस वाले छोड़ देंगे मुझे, या अगर आप मार दिए पत्थर तो पुलिस बख्शेगी आपको? पत्थर एक मारेगा लेकिन इस इल्जाम में 1,000 को गिरफ्तार करेंगे, महल्ले का राउंड अप कर लेंगे, बच्चों को जेल में डाल लेंगे। अरे मेरा सवाल है, बताए कांग्रेस, बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी और तुम तमाशा देख रहे थे, मस्जिद शहीद हो गई, मिंबर रसूल शहीद हो गया, तुम तमाशा देखते रहे, मिंबर रसूल पे राम की मूर्ति बैठ गई, तुम तमाशा देखते रहे। अरे कम से कम उसके बाद तो शहीद करने वालों को पकड़ा होता, जेल में डाला होता, मुकदमा किया होता। अगर उसी दिन बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद अगर ये कांग्रेस
अगर ये बेमानों का ये टोला, अगर ये धोखेबाजों का ये टोला, झूठों का ये टोला, अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, पाल ठाकरे, उमा भारती और सब अशोक सिंगल, परवीन तोगाड़िया, ये साध्वी प्राची फुला फुला सबको अगर पकड़ के जेल में डाल देती और उनको फांसी पे लटका देती इस अजीम जुर्म के लिए, तो खुदा की कसम क्या बीजेपी इतनी ताकतवर होती? सही है या गलत बताइए। अरे ये लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आगे बढ़े, डराए, मर्दी शहीद करे, हमको काटे और बीजेपी के खौफ को बताकर ये लोग अपने इख्तदार की रोटियों को सेकते हैं। कहते बताते हैं और कहते देखो बीजेपी है, अगर हमारे को नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमान मजबूर बेबस जाने दो, 10 गालियां देता है मगर इनको और देता है। लेकिन अब क्या हुआ, मजलिस आने से मुसलमान इनको गाली दे रहा है, बीजेपी के खिलाफ है और मजलिस को और दे रहा है, तो ये इनको बुरा दिख रहा है, ये इनको बुरा दिख रहा है। और ये भी नहीं तो मेरे भाई, बीजेपी को पैदा करने वाली कोख, मैं कहूंगा बीजेपी को पैदा करने वाली कोख का नाम कांग्रेस आई की कोख है। इन्होंने पैदा किया बीजेपी, क्यों पैदा किया, मुसलमान वोट अपने तरफ रखने के लिए पैदा किया। चलो ये भी नहीं, गुजरात के 2000 फिसादात कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार था 2002 के फिसादात का, आप जानते हैं ना कौन, कौन? और उसके बाद, उसके बाद कांग्रेस का इख्तदार यूपीए का नहीं आया 2002 के बाद, 2004 में यूपीए हिंदुस्तान के इख्तदार को हासिल करती है। इख्तदार को हासिल करने के बाद 2G स्कैम, 4G स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम में राजा को पकड़ रही, इसको पकड़ रही, कोल स्कैम में उसको पकड़ रही, जयललिता को जेल में डाल रही, वो ममता बनर्जी के साथ ये मुकदमा सब कर रही। अरे कांग्रेस, तूने 2002 के गुजरात के खातिल को क्यों नहीं पकड़ा? क्या नहीं पकड़ सकते थे? क्या चार्जशीट नहीं बना सकते थे? क्या FIR नहीं डाल सकते थे? अगर उस गुजरात के 2002 के जालिम को अगर कांग्रेस अगर पकड़ लेती, जेल में डाल लेती, सजा देती, तो खुदा की कसम वो जालिम आज इख्तदार के कुर्सी पर बैठा हुआ नजर नहीं आता। क्या सही है या गलत? ये लोग तो कुछ नहीं करते और आज मजलिस करती है तो इनको बुरा दिखता है। डिस्काउंट सेल पर जीन्स, ट्राउजर्स वगैरह ओल्ड सिटी में तशरीफ लाइए हमारे शोरूम पर। हमारा पता है रिच कलेक्शन, मादन्ना पेट, ईदगाह रोड, हरमैन होटल के सामने। 9700059 1868 पर कॉन्टैक्ट करें।